हेलो एंड वेलकम टू कार्यालय। मैं हूं नितिन और मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही अवॉर्डेड कार, मारुति सुजुकी की। बहुत फेमस है ये कार, ज्यादातर सब लोग जानते हैं इस कार के बारे में। ये है स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट का रिव्यू। और आज बात करेंगे कि मारुति ने क्या क्या चेंजेस करे अपनी स्विफ्ट में, अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए क्या क्या नए फीचर प्रोवाइड करे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सटीरियर्स के साथ। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एक्सटीरियर में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो उसके फेस में हुआ है और उसके टेल में हुआ है। तो फेस की अगर बात करें तो आपको अब उसमें बोल्ड ब्लैक ग्रिल मिलती है सुजुकी के लोगों के साथ। उसके बाद आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एलईडी डीआरएल, डे टाइम रनिंग लाइट्स, ये एलईडी की फॉर्म में प्रोवाइड करी गई है आपको। ORVM मिलते हैं विद एलईडी टर्न इंडिकेटर ORVM ही प्रोवाइड करेंगे एलईडी की फॉर्म में। उसके बाद आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स विद सिल्वर फिनिश। उसके बाद आपको मिलता है ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए बी सी पिलर, जो स्विफ्ट के ए बी और सी पिलर हैं उनको उन पे आपको ब्लैक स्ट्रिप मिलती है। उसके बाद आपको मिलते हैं रियर डोर हैंडल्स माउंटेड और पिलर, जो पीछे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए जो हैंडल है वो आपको पिलर नंबर सी पर ऊपर की तरफ मिलेगा, मतलब पिलर पे है, जैसे कि आपको मिलता है श्योरलेट की पीठ में। इसके बाद आपको जो टेल लैंप मिलते हैं वो सी शेप एलईडी फॉर्म में मिलते हैं। आपको फ्रंट में फोग लैंप भी प्रोवाइड करे गए हैं। कीलेस एंट्री आपको इसमें मिलती है। रियर वाइपर मिलता है। रियर स्पॉइलर विद स्टॉप लैंप आपको भी मिलता है। ये थे एक्सटीरियर्स, कुछ मेन एक्सटीरियर्स। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में आपको मिलता है मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। इस व्हील में आपको ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं विद सुजुकी के लोगों के साथ। जो हॉर्न का व्हील है छोटा सा, उसमें सुजुकी का लोगो आपको बोल्ड उसमें प्रोवाइड करा गया है। इंजन मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करा गया है। इसमें आपको जीपीएस इनेबल्ड है। उसके बाद आपको एसी कंट्रोल मिलते हैं, एसी मिलता है। रियर एसी वेंट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं पीछे के यात्रियों को ठंडी हवा प्रोवाइड करने के लिए। अब उसके बाद आपको 5% कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। इसका मतलब ये कि 5 जने इस मारुति स्विफ्ट में बहुत आराम से बैठ सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड करा गया है। बोतल होल्डर्स डोर में प्रोवाइड करे गए हैं। पावर विंडोज आपको प्रोवाइड करे गई है। उसके बाद सेफ्टी फीचर की अगर हम बात करें तो फ्रंट ड्यूल SRS एयरबैग्स प्रोवाइड करे गए हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS इस स्विफ्ट में है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD भी इसमें है। चाइल्ड लॉक भी प्रोवाइड करा गया है आपको इसमें। उसके बाद अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें दो तरह के इंजन आते हैं, पेट्रोल और डीजल। जो पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो इसमें K सीरीज का इंजन लगा हुआ है। 1.2 लीटर VVT इंजन है। 1197 cc है इसकी। 86 bhp की पावर जनरेट करता है एट 6000 rpm पर। और 1114 Nm टॉर्क पैदा करता है 4000 rpm पे। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1248 cc का इंजन मिलता है। ये 1.3 लीटर का 16 वॉल्व इंजन है। इसमें 74 bhp की पावर पैदा करता है 4000 rpm पे और 190 Nm का टॉर्क देता है 2000 rpm पे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल टैंक और माइलेज की। जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फ्यूल टैंक है वो 37 लीटर का है। और माइलेज की बात करेंगे तो पेट्रोल में ये 22 km/l का एवरेज देती है, जबकि डीजल में ये 28.4 km/l का एवरेज देती है। उसके बाद इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो जो लेंथ है स्विफ्ट की 3840 mm है। विड्थ 1735 mm है। हाइट इसकी 1530 mm की है। जो व्हील बेस है इसका 2450 mm का है। बहुत ही अच्छा व्हील बेस है जिसकी वजह से 5 जने बहुत आराम से, मतलब लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है पांचों पैसेंजर्स को। और इसके बाद अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस 268 लीटर का है। ये भी
काफी सफिशियंट स्पेस है वीकेंड पे छुट्टी मनाने के जाने के लिए, आप के जो भी आपके लगेज है वो इसमें बहुत आराम से आ सकता है। उसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसका प्राइस 4,99,000 से शुरू होती है और 8,85,000 तक जाती है। दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट के कई सारे मॉडल आते हैं, इसमें पेट्रोल में अलग है डीजल में अलग है। पेट्रोल में आपको VXI, LXI, VXI, ZXI क्रमानुसार पढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद डीजल में आपको LDI, VDI, ZDI, ZDI+ वेरिएंट आपको मिलते हैं। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक AMT दोनों में आती है, आप जो भी प्रेफर करना चाहे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मारुति सुजुकी के मेन फीचर्स जो मैंने आपके जो आपसे डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके आपको। थैंक यू वेरी मच।